हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महीने बाद भी नहीं हुई ऑडियो टेप की जांच, यानी राफेल घोटाले की फाइल पारिकर के पास है, यह सच है। राफेल घोटाले के मामले में गोवा के एक मंत्री का ऑडियो टेप लीक हुए को एक महीना हो चुका है, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि 30 दिन बाद भी मामले में मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट ना दर्ज होने से यह साफ है कि यह ऑडियो टेप सही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ट्वीट कर कहा, राफेल पर ऑडियो लीक को 30 दिन बीत चुके हैं, कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। मिनिस्टर पर कार्रवाई ना किए जाने से यह साफ है कि ऑडियो टेप सही है। गोवा के CM मनोहर पारिकर के पास राफेल के विस्फोटक रहस्य हैं, जिसकी वजह से वो PM को भी दबा के रखे हुए हैं। गोवा की BJP सरकार में हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे का एक गुमनाम शख्स के साथ बातचीत का ऑडियो लीक हुआ था, जिसमें मंत्री राणे साफ साफ कह रहे थे कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के पास राफेल की सारी डील की फाइलें, सारी डिटेल हैं। मंत्री विश्वजीत की माने तो पारिकर के मुताबिक कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि राफेल की सारी जानकारी पारिकर के बेडरूम में है। कुछ दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में खराब सेहत के बावजूद मुख्यमंत्री पारिकर ने हिस्सा लिया। कैबिनेट की बैठक हंगामेदार रही, जिसमें कथित रूप से CM मनोहर पारिकर ने कहा कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राफेल की सारी फाइल उनके पास है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।